नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राहुल गांधी ने असम में ललकारा, कहा हम दो हमारे दो अच्छी तरह से सुन लो, कभी नहीं होगा CAA लागू। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने असम में विधानसभा चुनाव के लिए औपचारिक तौर पर चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। उन्होंने शिवसागर जिले में शिवनगर बोर्डिंग फील्ड में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर असम को बांटने और वहां भाईचारा बिगाड़ने का आरोप लगाया है। सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि राज्य में अवैध इमिग्रेशन एक मुद्दा है, लेकिन राज्य के लोगों में क्षमता है कि वो इसे सुलझा लेंगे। कांग्रेस नेता ने नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करते हुए कहा कि चाहे जो भी हो जाए CAA लागू नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। डीजल की बढ़ती कीमतों से ट्रांसपोर्टर परेशान, सरकार को दे डाली हड़ताल की चेतावनी। जी हां दोस्तों, डीजल की बढ़ती कीमतों और उच्च कर का विरोध करते हुए ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल पर जाने की रविवार को चेतावनी दी है। ट्रांसपोर्टरों के शीर्ष संगठन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने कहा कि डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा कर की उच्च दरें, ई वे बिल से संबंधित कई बातें और वाहनों को कबाड़ करने की मौजूदा नीति आदि पर AIMTC की संचालन परिषद में चर्चा की गई। AIMTC लगभग 95 लाख ट्रक ड्राइवरों और लगभग 50 लाख बसों व पर्यटक ऑपरेटरों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है। संगठन ने बयान में कहा है कि उसके राष्ट्रीय नेतृत्व ने मांगों के समाधान की दिशा में प्रक्रिया शुरू करने के लिए सरकार को 14 दिन का नोटिस जारी करने का निर्णय लिया है। प्रमुख मांगों में डीजल की कीमतों में तत्काल कमी और इसमें एकरूपता, ई वे बिल व GST से संबंधित मुद्दों का समाधान और वाहनों को कबाड़ करने की नीति को अमल में लाने से पहले ट्रांसपोर्टरों के साथ इस बारे में चर्चा शामिल है। संगठन ने कहा है कि यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो वे देश भर में परिचालन बंद करने को बाध्य होंगे। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इंडियन आर्मी हुई और बलवान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन आर्मी को सौंपे 118 अर्जुन टैंक। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी निर्मित अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक यहां रविवार को सेना को सौंपे हैं। चेन्नई में आयोजित एक समारोह में उन्होंने इस अत्याधुनिक टैंक की सलामी भी स्वीकार की। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के यहाँ स्थित युद्धक वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान की तरफ से निर्मित इस अत्याधुनिक टैंक का डिजाइन देश में ही तैयार और विकसित किया गया। इस परियोजना में 15 शैक्षणिक संस्थान, 8 प्रयोगशालाएं और कई सूक्ष्म एवं लघु उद्योग प्रतिष्ठान भी शामिल थे। यह युद्धक टैंक काफी शक्तिशाली है। अर्जुन टैंक भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हो गया है। नए अर्जुन टैंक पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तान में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, रुक कर लेते हैं अगली खबर का। आज से फास्टैग होगा अनिवार्य, जिसके पास नहीं है उसे देना होगा तगड़ा जुर्माना। जी हां दोस्तों, देश भर के टोल प्लाजा पर ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम फास्टैग आज रात 12 बजे से अनिवार्य हो जाएगा। केंद्र सरकार ने रविवार को एक बयान में यह जानकारी दी। जिन लोगों ने अब तक अपने वाहनों पर इसे नहीं लगवाया है या जिनके वाहनों पर ये टैग लगा तो है लेकिन काम नहीं कर रहा है, ऐसे लोगों को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। जुर्माने के रूप में ग्राहकों को अपने वाहन की कैटेगरी के हिसाब से लगने वाले शुल्क की दोगुना रकम देनी पड़ सकती है। इससे पहले रविवार को ही केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि फास्टैग के क्रियान्वयन की समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि वाहन मालिकों को तुरंत इस ई भुगतान सुविधा को अपनाना चाहिए। फास्टैग टोल प्लाजाओं पर शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। इसे 2016 में पेश किया गया था। टैग अनिवार्य बनाने से यह सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी कि वाहनों को टोल प्लाजा के माध्यम से बिना रुके गुजरने की सुविधा दी जाए। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राज्यसभा में बजट चर्चा पर बोले पी चिदंबरम, कहा देश के असली परजीवी 1% अमीर। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि ये सरकार मानती है कि सप्लाई साइड सही करने से अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी, जबकि मांग बढ़ाने की जरूरत है। बजट में गरीबों की अनदेखी की गई।
इसके अलावा दोस्तों, पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने राज्यसभा में कहा कि पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा था कि कोविड से पहले ही देश की अर्थव्यवस्था आईसीयू में है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने भी देश की अर्थव्यवस्था को खराब हालत में बताया था। देश की अर्थव्यवस्था में 8 तिमाहियों से नरमी जारी है, सरकार डिनाइल मोड में है, वह अर्थव्यवस्था में नरमी की सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहती। इसके अलावा दोस्तों, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने बजट में गरीब तबके की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ये अमीरों का अमीरों के लिए अमीरों द्वारा लाया गया बजट है। उन्होंने कहा है कि हम सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं तो हमें आंदोलनजीवी और परजीवी कहा जाता है, लेकिन असल में परजीवी वो 1% लोग हैं जिनके पास देश की 73% संपदा का नियंत्रण है। हम लोगों की ओर से सरकार के इस बजट को खारिज करते हैं, मांग करते हैं कि सरकार इस बजट को संशोधन करे और गरीबों के हाथ में पैसा पहुंचाए और उन्हें मुफ्त राशन भी पहुंचाए। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आज से 50 रुपए महंगा मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर, दिल्ली में 769 रुपए होगी कीमत। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल डीजल के आसमान छूती कीमतों के बीच रसोई गैस सिलेंडर के दामों में भी बड़ा इजाफा हुआ है। रसोई गैस सिलेंडर आज से 50 रुपए महंगा मिलेगा। दिल्ली में इसकी कीमत 769 रुपए होगी। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। कुछ जगहों पर इसके दाम 90 से 100 रुपए के बीच हैं। मध्य प्रदेश में प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार हो गई है, जबकि मुंबई में पेट्रोल 95 रुपए में बिक रहा है। देश में पिछले 6 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। इनके दामों की रोज समीक्षा की जाती है, जबकि LPG गैस के दामों की 15 दिनों में समीक्षा की जाती है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पुलवामा हमले की बरसी पर अल बद्र ने जम्मू में धमाके की रची साजिश, 6 किलो IED के साथ एक गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर सुरक्षा बलों ने आतंकी हमले की बड़ी साजिश नाकाम कर दी है। जम्मू बस स्टैंड से सुरक्षा बलों ने रविवार को करीब 6 किलो IED बरामद की। सुरक्षा बलों ने पूरे बस स्टैंड पर सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान के सपोर्ट वाले आतंकी संगठन अल बद्र ने पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर ब्लास्ट करने की साजिश रची थी। जम्मू कश्मीर के IG मुकेश सिंह ने बताया कि 3 दिन से पुलिस अलर्ट थी। जानकारी मिली थी कि पुलवामा हमले की बरसी पर आतंकी संगठन कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस बार धमाका जम्मू में होना था। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सिर्फ 1 रुपए में होगा इलाज, उड़ीसा के संबलपुर में खोला गया 1 रुपी क्लिनिक। जी हां दोस्तों, उड़ीसा के संबलपुर जिले में एक डॉक्टर ने गरीबों और वंचितों को इलाज मुहैया कराने के लिए 1 रुपया क्लिनिक खोला है। यह आइडिया वीर सुरेंद्र साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च में मेडिसिन विभाग के सहायक प्रोफेसर शंकर रामचंदानी का है, जहाँ मरीजों को उपचार कराने के लिए मात्र 1 रुपया शुल्क देना होगा। रामचंदानी ने कहा कि मैंने VIMSR में सीनियर रेजिडेंट के तौर पर काम करना शुरू किया था, लेकिन उस पद पर रहते निजी क्लिनिक में इलाज करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए मैं उस वक्त क्लिनिक नहीं खोल पाया। हाल में मुझे सहायक प्रोफेसर के पद पर प्रमोशन मिला और इसी के साथ क्लिनिक खोलने की अनुमति भी मिली है, इसलिए मैंने किराए के मकान में अब 1 रुपया क्लिनिक शुरू किया है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में लॉकडाउन का ऐलान, कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से सनसनी। जी हां दोस्तों, दुनिया भर से कोरोना महामारी का खतरा कम नहीं हुआ है। कोविड-19 का यह वायरस आपको कहीं पर भी अपनी चपेट में ले सकता है। फिलहाल ये जानकारी इसलिए है क्योंकि दुनिया में बेहद एहतियातन बरतने और पुख्ता इंतजामों के बीच कोरोना वायरस को मात दे चुके देश न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस का जानलेवा स्ट्रेन मिलने से सनसनी फैल गई है। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अडर्न ने बताया है कि बाकी देशों को भी अत्यधिक प्रतिबंधों के अंदर रखा जाएगा, ताकि ऑकलैंड शहर के अलावा बाकी जगह लॉकडाउन न लगाना पड़े। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। युवराज सिंह की मुश्किलें बड़ी, हरियाणा पुलिस ने SC ST एक्ट में दर्ज की FIR। जी हां दोस्तों, क्रिकेटर युवराज सिंह के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। पिछले साल दलित समाज के लिए की गई अभद्र व अपमानजनक टिप्पणी के मामले में उनके खिलाफ हरियाणा पुलिस ने संगीन धाराओं में FIR दर्ज कर ली है। वकील एंड नेशनल अलायंस और दलित ह्यूमन राइट्स के संयोजक रजत कलसन की शिकायत पर
पुलिस ने करीब 8 महीने के बाद यह FIR दर्ज की गई। युवराज सिंह के खिलाफ इसार के थाना हांसी शहर में रविवार को केस दर्ज किया गया। युवराज सिंह के विरुद्ध पुलिस ने IPC की धारा 153, 153A, 295, 505 के अलावा SC/ST एक्ट की धारा 3(1)R तथा 3(1)S के तहत FIR दर्ज की गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिटकॉइन पर बैन से पहले बड़ी खबर, निवेशकों को पैसा निकालने के लिए पूरा वक्त देगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला के भारी भरकम निवेश से बिटकॉइन की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। जितनी तेजी से कीमत बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से ये बात भी फैल रही है कि भारत में बिटकॉइन पर बैन का ऐलान कभी भी किया जा सकता है। बैन के ऐलान से पहले एक खबर ये भी आ रही है कि सरकार जब बिटकॉइन पर कानून लाएगी तब निवेशकों का पूरा ख्याल रखेगी। खबरों के मुताबिक सरकार कानून बनाने के बाद जब उसे लागू करेगी तब निवेशकों को पैसा निकालने का पूरा वक्त देगी। इस तरह से निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहेगा और उन्हें निवेश किया पैसा वापस निकालने में दिक्कत नहीं होगी। खबर यह भी है कि 3 से 6 महीनों का समय निवेशकों को पैसा निकालने के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा नए नियम कानूनों से कोई तनाव न फैले, इस बात का पूरा ख्याल सरकार रखेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना के मामले मिलने पर भी अब सील नहीं किए जाएंगे दफ्तर, केंद्रीय कर्मियों को दफ्तर आने का आदेश। जी हां दोस्तों, दफ्तरों और कार्यस्थलों को अब कोरोना संक्रमण के मामले पाए जाने के बाद भी बंद या सील नहीं किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से शनिवार को जारी नए दिशा निर्देशों के मुताबिक दफ्तर या कार्यस्थल को अच्छी तरह से संक्रमण मुक्त करने के बाद दोबारा वहां काम शुरू किया जा सकेगा। कार्यस्थलों पर कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए मंत्रालय ने ये नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं कार्मिक मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को कार्य दिवसों में कार्यालय में मौजूद रहने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि अगर दफ्तर में 1 या 2 कर्मचारी संक्रमित पाए जाते हैं तो वो जिस जगह पर बैठे हैं और 48 घंटों के दौरान दफ्तर में जहां जहां गए हैं सिर्फ उन्हीं इलाकों को पूरी तरह से संक्रमण मुक्त करने की जरूरत होगी। अगर कार्यस्थल पर संक्रमण के ज्यादा मामले मिलते हैं तो पूरे ब्लॉक या बिल्डिंग को संक्रमण मुक्त कराना होगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम अपडेट्स का। तो दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ के चलते एक बार फिर मौसम बिगड़ने की संभावना, कई राज्यों में बारिश का अनुमान। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली NCR में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहता है। मौसम विभाग के अनुसार अभी 14 से 16 फरवरी के बीच पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ सहित दिल्ली NCR में घना कोहरा छाए रहने के आसार बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी आने वाले दिनों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली सहित उत्तर भारतीय क्षेत्र में घने कोहरे की संभावना जताई है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के चलते देश के कई अहम राज्यों में बारिश के आसार हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने देश के कई अलग अलग राज्यों में हल्की बारिश का अनुमान जताया है। रिपोर्टों के अनुसार एक और पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक बार फिर से मौसम बिगड़ने की संभावना है, जो 14 से 16 फरवरी के बीच उत्तरी क्षेत्रों के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना पैदा कर रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे। जी हां दोस्तों, महंगाई की मार से आम जनता बेहाल, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बुरा असर उनकी जेब पर पड़ रहा है और पिछले 6 दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 29 पैसे महंगा होकर 88 रुपए 73 पैसे प्रति लीटर पर मिल रहा है। वहीं बात करें डीजल की तो दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में डीजल 79 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। जी हां दोस्तों, बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को 5 अप्रैल 2021 वायदा के सोने की कीमत MCX एक्सचेंज पर 190 रुपए की गिरावट के साथ 47,318 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई। इसके अलावा 4 जून 2021 के सोने की वायदा कीमत बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन MCX पर 157 रुपए की गिरावट के साथ 47,511 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई। वहीं बात करें चांदी की कीमतों की तो दोस्तों पिछले
हफ्ते चांदी की कीमतों में भी तेजी दर्ज की गई। बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को 5 मार्च 2021 वायदा की चांदी की कीमत MCX पर 625 रुपए की तेजी के साथ 69,117 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। इस चांदी की कीमत पिछले हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार 8 फरवरी को MCX पर 68,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर खुली थी। इससे पिछले सत्र में यह 68,738 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इस तरह चांदी के भाव में पिछले हफ्ते में 379 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, भारत की गिरफ्त में टेस्ट मैच, इंग्लैंड पर बनाई 249 रनों की बढ़त। जी हां दोस्तों, चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेले जा रहे भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन था। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने पहली पारी में 329 रन बनाए। ओपनर रोहित शर्मा ने शानदार 161 रनों की पारी खेली। उप कप्तान अजिंक्य रहाणे और ऋषभ पंत ने भी अर्धशतक ठोका। जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 134 रनों पर आउट हो गई। स्पिनर आर अश्विन ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए। दूसरी पारी में भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 54 रन भी बना लिए। उसकी लीड 249 रनों की हो गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, 21 मार्च को पृथ्वी से होकर गुजरेगा 1 मील चौड़ा एस्टेरॉयड, नासा ने बताया खतरनाक। जी हां दोस्तों, 1 मील चौड़ा क्षुद्र ग्रह मार्च में पृथ्वी से होकर गुजरेगा, जिससे नासा ने संभावित खतरनाक करार दिया है। आकार में यह क्षुद्र ग्रह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से भी दोगुना है। 231937 नाम के क्षुद्र ग्रह की पृथ्वी से टकराने की संभावना नहीं है, क्योंकि यह ग्रह से 1.2 मिलियन मील दूर होगा। वहीं चंद्रमा की तुलना में करीब 5 गुना दूर। बताया जा रहा है कि 21 मार्च को सुबह करीब 4 बजे हमारे ग्रह के करीब पहुंच जाएगा। भविष्य में यह सौरमंडल के ग्रह से किसी भी वक्त टकरा सकता है, क्योंकि यह खतरनाक है। फिलहाल एक्सपर्ट्स ने पृथ्वी से इसके टकराने की ऐसी किसी भी संभावना को खारिज किया है। दक्षिणी क्षितिज के थोड़ा ऊपर की ओर 21 मार्च को सूर्यास्त से ठीक बाद इसे 8 इंच के एपर्चर टेलीस्कोप के माध्यम से देखना संभव होगा। आपको बता दें कि क्षुद्र ग्रह को पहली बार न्यू मेक्सिको में साल 2001 में खोजा गया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, देश की सबसे सस्ती SUV रेनॉल्ट्स की गर्व आज होगी लॉन्च। जी हां दोस्तों, फ्रांसीसी कार निर्माता कंपनी रेनॉल्ट्स अपनी सबसे सस्ती SUV कीगर को भारत में आज लॉन्च करने जा रही है। रेनो ने इस कार को 28 जनवरी को अनवील्ड किया था, जिसमें दावा किया गया था कि रेनो कीगर दुनिया की सबसे सस्ती SUV कार होगी। इसके बाद से इस कार की कीमत के खुलासे का इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे हैं। रेनो की इस कार का मुकाबला निसान मैग्नाइट से होगा। आपको बता दें कि निसान की ये कार इस समय देश की सबसे सस्ती SUV है। देश में रेनो कीगर के लॉन्च होने के बाद इस सेगमेंट में इन दोनों SUV के बीच तगड़ा मुकाबला होगा। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।